हेलो और Bix42 में आपका स्वागत है। क्या आप भी बिल बुक्स कार्ड्स या एक्सेल शीट में ग्राहकों के रिकॉर्ड को अरेंज करने और ग्राहकों से पेमेंट कलेक्शन करने के लिए घर घर जाने से परेशान हैं? अब चिंता ना करें, अब Bix42 आपकी समस्याओं का हल करने के लिए यहाँ है। इस वीडियो में हम वेब पर Bix42 ऐप का उपयोग करने के तरीके के बारे में बात करेंगे। शुरुआत करने के लिए हम Bix42.com पर जाएंगे। आपको वेबसाइट के ऊपर राइट साइड की तरफ एक लॉगिन बटन दिखाई देगा। इस लॉगिन बटन को दबाएं। अगली स्क्रीन आपको लॉगिन के लिए अपना बिजनेस चुनने को कहेगी। सेक्शन में केबल या इंटरनेट चुनें। अब लॉगिन के लिए अपना मोबाइल नंबर एवं पासवर्ड का उपयोग करें। लॉगिन के बाद आप ऐप डैशबोर्ड में उतरेंगे। आप मेन डैशबोर्ड में अपनी कस्टमर समरी देख सकेंगे। ऊपर राइट साइड की तरफ आपको अपनी प्रोफाइल अपडेट करने का ऑप्शन दिखाई देगा और लेफ्ट पैनल में आपको मेन्यू आइटम्स दिखाई देंगे, जैसे होम, ग्राहक, प्रोडक्ट, एजेंट, कलेक्शन, रिपोर्ट और कंप्लेंट्स। आइए इन सेक्शंस को विस्तार में देखें। पहला सेक्शन है होम। यहाँ आप अपनी डेली रूटीन में आने वाली सभी एक्शनेबल जानकारी देख सकेंगे। पहली रो में आप देखेंगे प्रति माह कलेक्शन, प्रतिदिन कलेक्शन, बकाया पैसा, प्रति माह ऑनलाइन कलेक्शन। दूसरी रो में आप देख सकेंगे प्रतिदिन रिन्यूअल्स, आने वाले रिन्यूअल्स, एक्सपायर्ड रिन्यूअल्स और रिचार्ज्ड अमाउंट। और तीसरी रो में आप अपने टोटल एक्टिव और इनएक्टिव कस्टमर्स को देख पाएंगे। आप बेहतर क्लैरिटी के लिए ग्राफिकल डेटा के रूप में अपनी डेली एक्टिविटी भी देख सकते हैं। आइए अब हम पहले अपने प्रोडक्ट सेक्शन की जांच कर लें। यहां आप अपने Bix42 खाते में सभी MRP चैनल्स और ब्रॉडकास्टर बुके की लिस्ट देख पाएंगे। आप सर्च बार से प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं, कुछ इस तरह। यदि आप प्रोडक्ट में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो डिटेल बटन दबाएं। आपको प्रोडक्ट बदलने के सभी ऑप्शन दिखाई देंगे। अगर आप एप्लीकेशन में चैनल एवं बुके खोजने में असमर्थ हैं और आप अपने अनुकूलित पैकेज में से किसी को इसमें जोड़ना चाहते हैं तो आप इसके लिए ऐड बुके ऑप्शन या फिर ऐड चैनल ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। अब हमारा पैकेज और प्लान लिस्ट पूरी हो गई है। अब कस्टमर सेक्शन पर चलते हैं। इस सेक्शन में आप अपने सभी कस्टमर्स और उनसे रिलेटेड एक्टिविटीज को मैनेज कर पाएंगे। ऊपर के साइड में एक्सेल शीट अपलोड करने का भी ऑप्शन है। आप यहां से सैंपल फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं और अपने कस्टमर्स को बल्क में अपलोड कर सकते हैं। यदि आपके पास एक्सेल फॉर्मेट में ग्राहक नहीं है तो आप ऐड कस्टमर बटन दबा सकते हैं। एक नई स्क्रीन खुल जाएगी और आप अपने रिकॉर्ड डिटेल्स भर सकते हैं। मेन स्क्रीन में आप अपने सभी ग्राहकों और उनके हार्डवेयर डिटेल्स और पेंडिंग बैलेंस डिटेल्स को देख पाएंगे। आप इन ग्राहकों को नाम, मोबाइल नंबर, सेटअप बॉक्स नंबर, कार्ड नंबर और मेंबरशिप नंबर का यूज करके खोज सकते हैं। साथ ही बेहतर पहुंच के लिए फिल्टर्स भी उपलब्ध हैं। अब यदि आप किसी भी ग्राहक की पेमेंट जल्दी से जल्दी जमा करना चाहते हैं तो आप क्लियर बैलेंस बटन का उपयोग कर सकते हैं। इस बटन को दबाने से इस ग्राहक की पेमेंट रिकॉर्ड हो जाएगी और बकाया राशि शून्य हो जाएगी। यदि आप इन ग्राहकों की डिटेल्स बदलना चाहते हैं या उनके पैकेज और उन्हें रिन्यू करना चाहते हैं तो आप डिटेल्स बटन का उपयोग कर सकते हैं। एक नई स्क्रीन खुल जाएगी और आप कस्टमर्स प्रोफाइल बदलने का ऑप्शन देख पाएंगे। यह स्क्रीन आपको कस्टमर से रिलेटेड सभी एक्टिविटीज को मैनेज करने में मदद करेगी। आइए अब एजेंट सेक्शन की तरफ चलते हैं। इस सेक्शन में आप अपने सभी कलेक्शन एजेंट्स को मैनेज कर सकते हैं। आप यहां एरिया वाइज टोटल पेंडिंग कलेक्शन को देख सकते हैं। डेली और मंथली कलेक्शन आपके एजेंट्स द्वारा किया जाता है, उसे भी आप यहां देख सकते हैं। यदि आप अपने एजेंट के प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं तो एक नई स्क्रीन खुल जाएगी जहां आप इस एजेंट को परमिशन दे सकते हैं और आप इसे किसी भी समय बदल सकते हैं। आप इस एजेंट द्वारा की गई सभी एक्टिविटीज को देख पाएंगे। आइए अब कलेक्शन सेक्शन पर चलते हैं। कलेक्शन सेक्शन में आप डेट वाइज पेमेंट कलेक्शन की डिटेल्स देख पाएंगे। आप कैलेंडर ऑप्शन से तारीख को बदल सकते हैं और अपने मनपसंद की कोई भी तारीख चुन सकते हैं। आप डेट वाइज कलेक्शन हिस्ट्री एरिया वाइज और कस्टमर डिटेल्स के साथ देख सकेंगे जिसमें से पेमेंट लिया गया है। आइए अब रिपोर्ट सेक्शन पर चलते हैं। इस सेक्शन में आप डिफरेंट टाइप्स की उपलब्ध रिपोर्ट्स को देख पाएंगे, जैसे
बिल्स, प्रोडक्ट लिस्ट, ऑल पेमेंट्स, लेजर रिपोर्ट, बैलेंस शीट, ऑल एक्सपेंसेस, कस्टमर्स प्रोडक्ट और कस्टमर्स लिस्ट। इन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं और इनकी जांच कर सकते हैं। आप इस डेटा को डाउनलोड करके इन्हें अपने लोकल बैकअप के रूप में रख सकते हैं और बाद में इन पर ज़्यादा एनालिसिस भी कर सकते हैं। अब अगले सेक्शन पर चलते हैं, जो कि है कंप्लेंट सेक्शन। कंप्लेंट सेक्शन आपको ग्राहकों द्वारा की गई सभी शिकायतों और चैनल बदलने की रिक्वेस्ट प्रोवाइड करेगा। आप इन कंप्लेंट्स पर नजर रख सकते हैं और उन पर प्रोग्रेस कर सकते हैं। ग्राहक को अपना चैनल बदलने के लिए आपको हर बार कॉल करने की आवश्यकता नहीं होगी। वह केवल ग्राहक ऐप का उपयोग करके आपको रिक्वेस्ट कर सकता है और आपको यहाँ नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिक्वेस्ट को अप्रूव एवं रिजेक्ट कर सकते हैं। आशा है कि ये वीडियो आपको Bix42 पर आरंभ करने के लिए मददगार लगा होगा। आप कस्टमर मैनेजमेंट एवं ऑनलाइन कलेक्शन प्रोसेस को यूज करके बहुत समय, प्रयास एवं पैसे बचा सकेंगे। यदि आपको अभी भी कोई संदेह है तो किसी भी प्रश्न के लिए हमारे साथ संपर्क करें। धन्यवाद।